एक मैं बहुत ही गहरा रहस्य दिखाने जा रहा हूँ। एक हमारे जो बहुत ही पुराना कुआं है उसमें अभी भी पानी है। और ये देखिए मित्रों, ये पुराना कुआं है और इसमें अभी भी पानी है। और ये बहुत पुराना कुआं है और अभी पूरा खंडर कुआं है। देख लीजिए मित्रों, ये काला काला पानी है लेकिन पूरा अभी भी हाथ से पानी ले सकते हैं, इतना ये पानी भरा हुआ है। देखिए मित्रों, ये पानी है। वर्षों पुराना कुआं है ये, कम से कम 60-70 साल पुराना कुआं है, हमारे बुजुर्गों के टाइम का कुआं है मित्रों। आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। हम ऐसे कई सारे अच्छे अच्छे वीडियो लेके आते हैं एपी जर्नी जीरो कैम चैनल में और आपको दिखाते हैं मित्रों, तो आप देखते रहेगा हमारा चैनल। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो शेयर कीजिएगा दोस्तों को। यहाँ पर ये पुराने पेड़ है और ये कुआँ है। इसकी एक खासियत है कि ये जो कुआँ है इसका बंद होने का सबसे बड़ा कारण है कि इधर से जो पूरा तालाब है इस गांव में, बेई पंचायत में तालाब है, इसमें से एक जो तालाब से नाला आता है वो नाला है ये। और इस नाले की वजह से ही जब बारिश होती है तो बहुत तेज़ नाला आता है और इसी नाले की वजह से ये कुआँ पूरा गिरा है। और पूरा कुआँ गिरने के बाद में इसका कोई यूज में नहीं लेते हैं, ये बंद पड़ा कुआँ है, पूरा कुआँ ये बंद पड़ा है। और अभी जो हमारे खेतों में जो सिंचाई करते हैं वो दूसरे कुएं से करते हैं, तो पूरा कुआँ ये खंडर है। इसमें मतलब नीचे मलबा भर गया और जितना खाली है उसमें ये पानी भरा हुआ है। इस कुएं में पानी बहुत है, कभी ये कुआँ सूखता नहीं है, बहुत पानी इसमें। अगर गहराई से थोड़ी खुदाई करें, इसका मलबा निकाले तो बहुत पानी इसमें देख सकते हो आप। अभी भी इसमें फुल पानी भरा हुआ है, आप हाथ से भी पानी ले सकते हो। ये पानी है मित्रों, ये देख लीजिए। ये कुआ है मित्रों, आप देख लीजिएगा। तो जैसा कि हमने आपको दिखाया मित्रों, ये हमारा बहुत ही पुराना कुआं है और वर्षों पुराना कुआं है और इसकी गहरा रहस्य आपको दिखाया। और आगे हम आपको लेके चलते हैं और अच्छे अच्छे कई सारे अच्छे अच्छे वीडियोज हम आपको दिखाएंगे मित्रों, तो आप देखते रहेगा हमारा हैप्पी जर्नी जीरो कैम चैनल। और थोड़े दिनों बाद इधर जो ये बोल्डियों के पेड़ है, इन सभी पेड़ों पे बोर लगते हैं। ये देखो, ये लाइन से बोल्डे बोल्डे मित्रों देख सकते हो आप, ये फुल बोल्डियों के पेड़ है। इन सभी बोल्डियों के पेड़ों पे बहुत ही मीठे मीठे बोर लगते हैं। राम राम काकी, राम राम। ये हमारी गेहूं की खेती है मित्रों और ये गेहूं का खेत है इधर।
यो फचेत होगी दान आपनो, यो दान फचेत होगी मदाल खी दंगे टेम ला के हालत खड़ो बोल्ड छोकी फेल की दिखे हाँ बेस ध्यान तो फ्री